भारतीय टेस्ट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए टीम इंडिया ने इंग्लैंड पहुंचकर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इस बीच रोहित और विराट से ऐसी गलती हुई है जिसने बीसीसीआई भी नाराज नजर आ रहा है। दरअसल बीसीसीआई इस गलती के लिए दोनों को कुछ सजा भी दे सकता है। दरअसल इंग्लैंड पहुंचने के साथ ही भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोरोना की चपेट में आए, उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसी बीच कोहली और रोहित बगैर मास्क लगाए खुलेआम घूमते नजर आए। कोहली और रोहित की कुछ फोटोज भी वायरल हुई हैं, इनमें से वो फैंस के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ना तो विराट, रोहित और ना ही फैंस ने मास्क लगाया है। अश्विन के संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने एक रिपोर्ट में कहा कि इंग्लैंड में कोरोना का डर थोड़ा कम, लेकिन खिलाड़ियों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हम टीम मैनेजमेंट से थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने के लिए कहेंगे। टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर 24 से 27 जून से लीसेस्टर शहर के खिलाफ वार्म अप मैच खेलना है। अश्विन इस मैच में नहीं खेलेंगे। इसके बाद भारतीय टीम को 1 से 5 जुलाई तक बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद 3 टी20 और फिर 3 वनडे मैचों की सीरीज भी होगी। वहीं भारत की अगर टेस्ट टीम की बात की जाए इस दौरे के लिए, तो रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। उनके साथ शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, KS भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और प्रसिद्ध कृष्णा टीम के साथ हैं। लेकिन क्या बीसीसीआई विराट और रोहित पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गलती इन्होंने काफ़ी बड़ी कर दी है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।